नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज। आप सभी दर्शकों को खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 से एक ऐसी अपडेट बताना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग भी बोलेंगे कि यार ये क्या किया। बिग बॉस में जहां पे आपने कमाल कर दिया था, वहीं अब खतरों के खिलाड़ी सीजन की अगर बात करें, 14 सीजन की बात करें, तो आप खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में पहले ही आउट हो गए। भाई ये क्या माजरा हुआ, आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों। तो खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में कुछ तो चेंज हुआ है, और ये चेंज हुआ है क्या, ये चेंज हुआ है शिल्पा शिंदे का। शिल्पा शिंदे जो कि शो में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट मानी जा रही थी, भाभी जी घर पे है जैसे सीरियल करें उन्होंने, खतरों के खिलाड़ी जैसा सीरियल किया उन्होंने, तो शिल्पा शिंदे को काफी ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अब यहाँ पे जाने से पहले शिल्पा शिंदे को लेकर ये कहा जाता कि शिल्पा शिंदे अच्छा कर सकती है, शिल्पा शिंदे ये कर सकती है, वो कर सकती है, इन तमाम सारी बातों पे एकदम स्टॉप, पूर्ण विराम लग गया है। पूर्ण विराम इसलिए लग गया है क्योंकि शिल्पा शिंदे शो से आउट हो गई है। आप लोगों को बता दूं तो आसिम सबसे पहला इविक्ट हुआ था, लेकिन वो मे भी हो सकता है कोई एक ट्विस्ट था या फिर एक स्क्रिप्टेड वे था या क्या था पता नहीं, लेकिन आसिम से के बाद अगर देखा जाए ऑफिशियली, क्योंकि आसिम वापस आ चुका है, ऑफिशियली देखा जाए तो शिल्पा शिंदे आउट हो गई हैं। शिल्पा शिंदे ने अपनी तरफ से स्टंट करने की पूरी कोशिश करी बट शिल्पा पीछे रह गए। अब देखते हैं कि आके ये पता चलेगा कि कौन से वाले पर्टिकुलर स्टंट में शिल्पा शिंदे जो है वो आउट हो गए। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो शिल्पा शिंदे जहां तक था वो काफी, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कि वो कुछ कर सकती हैं, बवाल कमाल, और बट वो नहीं करके आई, तो देखना होगा कि वो कौन से स्टंट में आउट हुई। बट डोंट वरी, खतरों के खिलाड़ी की सारी अपडेट मैं आपको बताऊंगा, आप बस बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है टेली खजाना। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। बाय।